हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में आपके बायोलॉजी जो साइंस की बुक है उसमें एक बायोलॉजी पार्ट दिया गया है, उस पार्ट में बायोलॉजी भाग में आज पहला अध्याय यानी पहला लेशन शुरू किया है, जिसमें है आपका जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं जीवन की मौलिक इकाई क्या है। आप इस पाठ में एक शब्द पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा उसी शब्द पर ही फोकस किया गया है, शब्द है आपका कोशिका, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। इस शब्द के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। देखिए जिस प्रकार से एग्जाम्पल्स थोड़ा छोटा सा लेते हैं कि जिस प्रकार से किसी मकान बिल्डिंग या कमरे को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ईंट कई सारी मिलती हैं तब जा कर के एक दीवार खड़ी होती है, और कई सारी दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण करती हैं, और फिर कई सारे कमरे मिलकर के एक पूरे मकान का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रकार के जीवधारियों का जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। यानी अभी एग्जाम्पल्स दिया कि मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट की आवश्यकता होती है, और उसी ईंट के माध्यम से पूरा मकान बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कोशिका है जिसे सेल कहते हैं, इस कोशिका से किसी भी सजीव जीवधारी का संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। अब सजीव जीवधारी आप जानते हो, यानी जिनमें लिविंग होती, जो लिविंग एक्टिविटी प्रस्तुत करते हैं सजीव, आप पीछे भी पढ़ करके आए हुए हो कि सजीव क्या होते हैं, यानी जिनमें जो सामान्य भाषा में आप कह देते हैं जो सांस लेते हैं, सांस लेने के अतिरिक्त भी उनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन, इस प्रकार की क्रियाएं सजीवों द्वारा संपन्न की जाती हैं, और साथ साथ में श्वसन तो करते ही हैं, सांस लेते ही हैं। तो जितने भी सजीव जीवधारी हैं, जितने भी जीवित जीवधारी हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, यानी जो सजीव हैं उनका जो शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यानी सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, कई सारी कोशिकाएं मिलकर के कोशिकांगों का निर्माण करती हैं, कोशिकांगों से जो है ऊतक तंत्र का निर्माण होता है, ऊतक तंत्रों से जो है अंग तंत्रों का निर्माण होता है, कई सारे अंग तंत्र मिलकर के एक कंकाल का निर्माण करते हैं, और कंकाल से किसी सजीव का एक शारीरिक संरचना या ढांचे का निर्माण होता है। तो आप ये शब्द समझ पाए होंगे कि सजीवों के शरीर को निर्मित करने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका का प्रयोग होता है, कोशिका के द्वारा सजीवों के शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका जो है, जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब किसी एक सजीव जीवधारी का निर्माण होता है। जिस प्रकार से एक पूरे मकान को बनाने के लिए कई सारी ईंटों का सहारा लिया जाता है, कई सारी ईंटों के मिलने से एक पूरा बिल्डिंग तैयार होता है, उसी प्रकार से किसी सजीव जीव के शरीर का निर्माण कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं के बारे में बाद में बात करेंगे, कोशिकाओं से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट खोजें हैं, इनके बारे में हमें पहले से जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज का हमारा वीडियो है कोशिका विषयक खोजें। तो आप कोशिका समझ गए, ठीक है, जंतुओं में भी होती हैं और पादपों में भी होती हैं, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बाद में सब पढ़ेंगे। तो कोशिका जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, कोशिका जो है वो शारीरिक शरीर या सर किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई है। तो इससे संबंधित कुछ खोजें हमारे वैज्ञानिकों ने की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज की और कोशिका नाम दिया।
आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, सेल की खोज किसने की, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और कोशिका नाम दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका नाम किसने दिया, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक। अब क्या है कि इन्होंने कोशिका की खोज की कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा दो लाइन हम सुन लेते हैं। हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सुनना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सुनेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। तो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनेक कार्क को काट करके, यानी किसी पौधे के जो है तने के हिस्से को बीच से काट करके, लाइक ये पेड़ है और इस प्रकार से पेड़ है, इस पेड़ के इस तने के हिस्से को, इसको कार्क कहते हैं, कार्क को काट करके सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन कर रहे थे, तभी इनको छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए। छोटे छोटे प्रकोष्ठ का मतलब, जैसे आपने हनी भी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते षटभुज आकार बने होते हैं, षटभुज के आकार के, इस प्रकार से कई सारे षटभुज से मिलकर के जो है मधुमक्खी का छत्ता निर्मित होता है। तो इसी प्रकार से ये प्रत्येक क्या है, कोष्ठ हैं। तो इसी प्रकार से रॉबर्ट हुक को इस कार्क में ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए, यानी इन्हें ये प्रकोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान व्यवस्थित रूप से दिखाई दिए। और इन्होंने क्या किया है? मतलब बोतलों के ढक्कन के रूप में प्रयुक्त ये कार्क वृक्षों की छाल से प्राप्त किए, और इसके बाद इन्होंने सिद्ध किया कि ये जो पूरे तने की कार्क है, इन कई सारी प्रकोष्ठों से मिलकर बने हैं, और इसी प्रकोष्ठों को इन्होंने कोशिका नाम दिया। यानी कई सारे प्रकोष्ठ मिले तब ये जो है पौधे के तने का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से कई प्रकोष्ठ जब मिलते हैं तो किसी जंतु कोशिका का भी निर्माण होता है। तो इन्होंने जब ये मधुमक्खी जैसे छत्ते के समान दिखाई देने वाले कई सारे प्रकोष्ठों को देखा, इसी को इन्होंने कोशिका नाम दिया। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोजकर्ता और कोशिका का नाम देने में गिना जाता है। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। देखिए, आपकी बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे और सभी साइंटिस्ट के खोजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो दूसरे वैज्ञानिक हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कोशिकाओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जाता है, क्योंकि नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं को देखा। इन्होंने जो ये कोशिकाएं बताई थी रॉबर्ट हुक ने, कि सभी जीवधारियों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, तो उन्हीं कोशिकाओं को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सिद्ध करके बताया कि ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी इनमें सजीव जैसे लक्षण उपस्थित होते हैं, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। और इन्होंने कहाँ देखा, युगलीना जीवाणु। देखिए, युगलीना और जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, इनके शरीर में एक कोशिका ही उपस्थित होती है। और इसके अतिरिक्त कुछ बहुकोशिकीय जीव, यानी अधिकतर बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं से उनका शरीर बनता है, परंतु इनका एक कोशिका से। उसके बाद में शुक्राणु अंड कोशिका में रक्त कोशिकाओं का अध्ययन किया, यानी शुक्राणु अंड कोशिका दोनों में ही इन्होंने रक्त कोशिकाओं का भी अध्ययन किया, कि ब्लड की भी कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद अगले वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जो कोशिका है उस कोशिका कोशिकांग, ये कोशिका जो है एक अंग है, यानी कोशिका में केंद्रक एक अंग है, क्योंकि कोशिका का निर्माण भी कई सारे कोशिकांगों से होता है। उसमें एक गोलाकार संरचना उपस्थित होती है,
उस गोलाकार संरचना को केंद्रक कहा जाता है। उस केंद्रक के अंदर जैसे आपकी ये कोशिका है, इस प्रकार से कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा हमें हमारी बायोलॉजी में, आपको दिया जाएगा, पढ़ने पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी कोशिका बनी होती है। तो इस कोशिका में जो है एक गोल संरचना उपस्थित होती है, बीच में इस गोल संरचना को केंद्रक कहा जाता है। इसी गोल संरचना में गुणसूत्र, डीएनए, क्रोमेटिन धागे, आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ हमारे माता पिता के लक्षणों को संतानों में लगातार पहुंचाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे थे रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, कोशिका को जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बताया, कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है यह रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। इसके बाद अगले वैज्ञानिक जेई पुरकिंजे, कोशिका के जैली सदृश तरल को जीवद्रव्य नाम दिया। अब देखिए ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, केंद्रक, माइटोकांड्रिया, सभी के बारे में अभी आगे पढ़ते चलेंगे। इस प्रकार के ये कोशिकांग हैं, इनमें क्या होता है, एक तरल भरा रहता है, यानी कि एक पानी जैसा, द्रव जैसा पदार्थ भरा रहता है। ये पदार्थ का कार्य होता है कि कोशिका की जो बाहरी सतह है इस पर कोई चोट या आघात पड़ती है तब इसको ये बचाता है, और इसके अंदर उपस्थित कोशिकांगों को कोशिका की आंतरिक भित्ति से चिपकने से बचाता है। जैसे आप एक गुब्बारे के अंदर पानी भर दो और उसके अंदर एक बॉल डाल दो, ठीक है, क्या होता है कि आप गुब्बारे को हिलाओ, बॉल गुब्बारे की सतह से नहीं चिपकती है, क्योंकि बॉल के गुब्बारे और बॉल के बीच में एक तरल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ भी कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग उपस्थित हैं और उस कोशिकांग और कोशिका के बीच में एक द्रव पानी जैसा पदार्थ भरा होता है, जो कि कोशिका की सुरक्षा करता है, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांगों की सुरक्षा करता है, इसलिए इससे जीव द्रव्य नाम दिया गया। द्रव्य तो है ही है, तरल तो है, साथ में ये जीव भी बताया गया, क्योंकि ये इसके अंदर और जीवित कोशिकांगों की रक्षा करता है। इसलिए पुरकंजे ने कोशिका के जैली सदृश, यानी कोशिका के अंदर जैली सदृश से तात्पर्य है जैम जैली खाने वाला पदार्थ होता है, जो जैली क्या होती है, हमें आर पार दिखाई देती है, यानी जैली पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट यानी वो इस प्रकार से बनाई जाती है जैम या जैली कि हम उसको आर पार देख सकते हैं। तो जैली जैसा यानी आर पार दिखाई देने वाला एक तरल भरा रहता है कोशिका के अंदर, जिसे जीव द्रव्य नाम दिया गया। जेएम स्लेडन व थियोडर सॉन, इन्होंने, ये दो वैज्ञानिक हैं, जेएम स्लेडन या इन्हें जेएम स्लाइडन भी लिखते हैं तब भी सही होगा, साथ में थियोडर सॉन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, वो अभी आगे पढ़ेंगे। हमें बस अभी यहाँ इतना याद करना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जेएम स्लेडन व थियोडर सॉन ने। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो, ये भी वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, यानी जैसा हम आपको बताएं कि कोशिका जो है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर किसी सजीव या किसी जीवित जीवधारी के शरीर का निर्माण होता है, तो जीवित जीवधारी के शरीर के निर्माण के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो उनमें से क्या है कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो वो जीवित कोशिकाएं हैं शरीर में, उनसे कई सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं, और जिन कोशिकाओं का जीवन काल पूर्ण हो जाता है वो कोशिकाएं मृत्यु को भी प्राप्त होती रहती हैं। जिस प्रकार से इसका अच्छा उदाहरण है, किसी व्यक्ति की ट्रेजडी हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ, यानी एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाती है,
तब उसके शरीर की जिस हिस्से में चोट लगती है उस हिस्से में कई सारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त और या मृत्यु हो जाती है उनकी। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, तो उस जगह पर रिकवरी के होती है, रिकवरी के बाद नई कोशिकाएं फिर पुनः विकसित हो जाती हैं। तो क्या होता है कि वो जो नई यानी जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हुई थी, जो चोटिल हुई थी, जिनकी मृत्यु हुई थी, उन कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं जो जन्म लेती हैं वो नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, जो उसके यानी वो तो मर के ख़त्म हो गई, उसके अलावा जो कोशिकाएं बची हुई हैं उन्हीं कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्योंकि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, ऐसा हम विज्ञान बायोलॉजी में जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। कई बार हमारे घरों में दादी लोग कहती हैं कि बारिश का मौसम हुआ, मेंढक ऊपर से बरस गए, केचुए ऊपर से बरस गए, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से मेंढक और केचुए नहीं बरसते हैं। हम पढ़ के आते हैं कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, यानी कोई भी जीव होगा उसी के द्वारा दूसरे जीव का निर्माण होता है। यानी यहाँ भी हम वही चीज़ समझ रहे हैं कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, यानी जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं और कोशिकाएं स्वतः जन्म नहीं लेती हैं। इसके बाद नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। ठीक है, नाल एवं रस्का, इसमें कुछ खास समझना नहीं है। सूक्ष्मदर्शी जो है यानी माइक्रोस्कोप, इसकी सहायता से कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे आपके जीवाणु, अभी आपको बता रहे थे जीवाणु, इन जीवाणुओं को यानी बैक्टीरियाज को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके देखने के लिए, जीवाणुओं को अध्ययन करने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की सुविधा के लिए नाल एवं रस्का जी ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो इतना ही था। आज के वीडियो में आपको कोशिका विषयक खोजें बताई गईं, कोशिका से संबंधित खोजें बताई गईं। आप इनको अपनी एक नई फेयर कॉपी बनाना और इस वीडियो से देख करके इसको फेयर करना और इसको लर्न भी करना है, क्योंकि लर्न नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ ध्यान में नहीं रहेगी। इसलिए आप इसको लर्न भी करोगे और चैप्टर एक जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डाल करके ये हेडिंग डालना, और ये भी हेडिंग है सारी, और इसके आगे ये सारा ब्लू पेन से अच्छे से लिखना। आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।